प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन 9.30। जी अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक है, उसके मुताबिक लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर अटैच्ड टू अ गल्वेनोमीटर कॉयल रिट्रेसेस बैक एज शोन इन फिगर 9.29। लो समझ भी लें साथ में। जी गल्वेनोमीटर, जहां इसकी कॉइल होगी उसके साथ मिरर लगा हुआ है। जे गल्वेनोमीटर होता है, जे जहां ना कॉइल होती है, जब इसमें गल्वेनोमीटर का काम होता है डायरेक्शन ऑफ करंट मेजरिंग इलेक्ट्रिकल करंट, वेरी स्मॉल, बहुत सेंसिटिव होता है और नल पॉइंट वगैरह मेजर करने के लिए इसे यूज किया जाता है। तो इसमें जो कॉयल होती है, जब इसमें करंट पास होता है तो ये पॉइंट डिफ्लेक्ट करता है। इस जहां इसने कहा ये कॉयल है ना, जो उसके साथ मिरर लगा हुआ है इसके परपेंडिकुलरली। तो मान लो हम जहां मिरर लगा हुआ नीचे नजर आ रही होगी आपको कॉयल, ये नीचे ना, तो ये कॉयल है मान लो, जहां इसके साथ ये मिरर लगा हुआ है, तो मिरर ये स्पॉट है जब इसकी जो लाइट ट्रेवल करती है रिफ्लेक्ट होती है ना, मान लो इधर से इंसिडेंट हुई तो इधर ही इसके नॉर्मल जो मिरर है बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली लगा हुआ जी, बिल्कुल कॉइल के साथ। तो जे स्पॉट मान लो, जब रे इधर इंसिडेंट करेगी तो नॉर्मली इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ए पॉइंट पे ही रिफ्लेक्ट होगी। अब क्या कह रहा है, अ करंट इन द कॉयल प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3.5 डिग्री ऑफ द मिरर। अ कॉयल जब उसमें करंट पास होगा तो कॉयल घूमेगी, उसने इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर दी, कितने एंगल की, थीटा एंगल की। थीटा कितना दिया हुआ, 3.5 डिग्री, कितना 3.5 डिग्री की डिफ्लेक्शन होगी इन द ऑफ द मिरर। हमने निकालना व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड स्पॉट। स्पॉट पहले जहां था लाइट का जो पड़ रहा था स्क्रीन पर, अब जो मूव करके जहां चला गया तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, कहने का मतलब कितना मूव कर गया। डी निकालनी है, ए से लेकर बी, ए भी वैल्यू निकालनी है हमने, ए भी डिस्टेंस निकालना। स्पॉट ऑफ लाइट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1.5 मीटर वे, जा कितनी दूरी है 1.5 मीटर जे दी हुई है, ओ ए जो डिस्टेंस है दे जे दिया हुआ। हमने एक बात पहले भी ये कॉन्सेप्ट किया हुआ है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, जैसे जे रे है, रिफ्लेक्टेड रे गेट डिफ्लेक्टेड बाय ट्वाइस द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द मिरर। कहने का मतलब अगर जे हम मिरर को मूव कराएंगे तो इसके ट्वाइस द एंगल जे रे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मूव करेगी। कहने का मतलब अगर 3.5 डिग्री जहां एंगल बन रहा है इसे मूव कराया मिरर को, तो जहां जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना मूव कर जाएगी, डबल द एंगल, डबल करेगी इसका तो 7 डिग्री बन जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी नो दैट द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ गेट डिफ्लेक्टेड बाय ट्वाइस द एंगल ऑफ द रोटेशन ऑफ द मिरर, सीधा ही डायरेक्टली हेयर थीटा इज इक्वल टू, जहां से शुरू कर सकते हो चाहे ऐसे लिख लो, इफ मिरर डिफ्लेक्ट्स बाय एन एंगल थीटा द रे रिफ्लेक्टेड रे डिफ्लेक्ट्स बाय एंगल 2 थीटा, जैसे मर्जी लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे। हेयर थीटा इज इक्वल टू कितना, 3.5 डिग्री, तो द रिफ्लेक्टेड लाइट डिफ्लेक्ट बाय 2 इंटू 3.5 डिग्री, ट्वाइस द एंगल डिफ्लेक्ट होगी, दैट इज इक्वल टू 7 डिग्री। इन राइट एंगल ओ ए बी अब ले लेते हैं, परपेंडिकुलर बटा बेस ए बी बटा ओ ए इज इक्वल टू टेंजेंट 7 डिग्री, टेंजेंट बन गया ना। तो ए बी कितना है, जे डी निकालनी है हमने, डी बटा ओ ए की वैल्यू 1.5 मीटर है, टेंजेंट 7 होता है 0.1228, डी की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू 0.1228, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.1842 मीटर, जे मीटर में आया, इसको सेंटीमीटर बनाने तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, डेसिमल राइट साइड की तरफ दो डिजिट मूव कर जाएगा, जगह इक्वल टू 18.42 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड स्पॉट कितना होगा, 18.42 सेंटीमीटर। ये जो स्पॉट पहले जहां था डिफ्लेक्ट होके कितना डिफ्लेक्ट हुआ, 18.42 सेंटीमीटर तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा।